अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मियां लोग शिवी में खुशामदीद। आज मैं तमीमी दावों के बारे से वफाकी हुकूमत के बयान के बारे में बात करने जा रहा हूँ। शफकत महमूद ने ट्वीट करते हुए कहा कि 16 सितंबर से तमाम तमीमी दावे खुल जाएंगे। NCOC ने कोरोना वायरस के पेश नज़र तमीमी दावे 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए थे। शफकत महमूद की रेवे सदारत तबीबी मनसूबों के बारे से इजलास हुआ, जिसमें कई अरकान असम्बली ने शिरकत की। इसी इजलास में यकसा कौमी निसाब और वफाकी तबीबी दावों के मसाले के बारे से बात की गई, जबकि एक रोज़ कबल बैनसूबाई वजवा तबीबी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के तलबा तलबात को पास करने का फैसला किया। हुकूमत का मजीद कहना था कि कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र दोबारा इम्तहानात मुमकिन नहीं, लिहाजा फेल होने वाले तलबा को रायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात साल में 2 बार होंगे और आइंदा साल मैट्रिक इंतबात मई जून में होंगे। शफकत महमूद का मजीद कहना था कि नया तलीमी साल 22 अगस्त को शुरू होगा। ओ लेवल और ए लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जामियात इम्तहानात के सिलसिले में अपना टाइम टेबल बनाएगी। साल में 2 मरतबा मई जून और अक्टूबर नवंबर में इम्तहानात होंगे। उनका मजीद कहना था कि मुल्क भर के एजुकेशन सेक्टर की वैक्सीनेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और NCOC को स्कूल्स को मुकम्मल तौर पर खोलने की सिफारिश की जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। शुक्रिया।